हेलो दोस्तों, आज के समय में आप लोग डिजिटल पेमेंट तो करते ही होंगे ऑनलाइन हर जगह पे। तो क्या आपको कोई भी ऐप यहाँ पे रिवॉर्ड देती है? आपका आंसर होगा नहीं, मेरे को कोई एप्लीकेशन रिवॉर्ड नहीं देती। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने यूपीआई के थ्रू कोई भी पेमेंट करेंगे तो इसमें रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको रिवॉर्ड दे रहा है यूजर्स को ट्रांसफर करने पर मनी। अब ये कैसे आप कर सकते हो, इसके लिए आपको एक कार्ड लेना होगा। ये यूपीआई बेस्ड रुपे नेटवर्क क्रेडिट कार्ड है जो कि कीवी की तरफ से आता है। ओवरऑल ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा होने वाला है। आप चाहे यहाँ पे शॉपिंग ऑनलाइन करते हो, चाहे बिल पेमेंट करते हो, चाहे अपने दोस्तों को ट्रांसफर करते हो पैसे, सारे ही ट्रांजेक्शन स्मूथ होंगे, सिक्योर होंगे और रिवॉर्डिंग होंगे। ये फ्यूचर पेमेंट सिस्टम है यहाँ पे जो कि कीवी आपके लिए लेके आया है। कीवी की रेटिंग की बात करते हैं तो 4.1 स्टार की रेटिंग है। डाउनलोड जो है वो 10 लाख डाउनलोड है। हम सबसे पहले बात करेंगे इस कार्ड के बेनिफिट की। अगर आप स्कैन एंड पेमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको 2% मिलता है ट्रांजेक्शन का, वहीं पे 0.5% कैशबैक मिलता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। और ये कार्ड बिल्कुल तरीके से लाइफ टाइम फ्री है। और ये अगर हम रिवॉर्ड की बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को, माइलस्टोन जो पार्टनर्स है वो यस बैंक है। अगर हम माइलस्टोन की बात करते हैं तो 3% का कैशबैक मिलता है और एक डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलता है अगर आप स्पेंड कर लेते हो 50,000 प्लस। वहीं पे 4% कैशबैक मिलता है, 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं अगर आप 1 लाख से ज्यादा स्पेंड कर लेते हो। वहीं पे 5% कैशबैक मिलता है और 3 लॉन्च एक्सेस मिलते हैं अगर आप स्पेंड कर लेते हो 1.5 लाख से ज्यादा। और भी बेनिफिट्स की बात करते हैं तो 50 डेज का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड यहाँ पे मिल जाता है। और आप पेमेंट ऑल इन वन पेमेंट ऐप है ये, जिसमें आप यूपीआई बैंक ट्रांसफर रिवॉर्ड प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे पैसे भी अर्न कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि क्या हमें इस कार्ड को लेना चाहिए और इसमें क्या क्या चार्जेस है। तो अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको ज्वाइनिंग फीस नहीं देना है, कोई भी आपको एनुअल चार्ज नहीं देना, ये लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस कार्ड को ले कौन सकता है, एलिजिबल कौन है और इस कार्ड को अप्लाई कैसे करते हैं, तो सारी ही चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं एलिजिबल कौन है इस कार्ड को लेने के लिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका सिविल स्कोर 720 से ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो तो आपका क्रेडिट स्कोर 740 से ज्यादा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्या हमें इनकम लगेगा या इनकम प्रूफ लगेगा, तो ऐसा इनकम प्रूफ नहीं लगता है। हाँ, आपकी इनकम 15,000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी इनकम 15,000 से ज्यादा है तो आप एलिजिबल हैं इस कार्ड को लेने के लिए। तो अगर आप ये सारी चीजें रखते हैं और ये बेनिफिट आप उठाना चाहते हैं तो अब मैं बताऊंगा आपको इस कार्ड को कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है, सही तरीका क्या है अप्लाई करने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस कार्ड का, आप चाहें तो डायरेक्टली जाकर के अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पे और हम अप्लाई करके इस कार्ड को। मैंने आपको सब बता दिया, मैं एलिजिबिलिटी भी बता देता हूँ। हालांकि मैंने एलिजिबिलिटी बताया कि 21 से 70 साल की और आपकी एज है, इनकम अगर आप 15,000 से ज़्यादा कर रहे हो तो आपको बहुत ही आसानी से कार्ड मिल सकता है। सिविल स्कोर का भी मैंने बता दिया, 720 प्लस सिविल है, अगर सैलरीड हो तो मिल जाएगा। और अगर आप 740 सिविल रखते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो भी यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और लिंक से भी आपको क्लिक करना है और आप एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आपको रिडायरेक्ट करा जाएगा यहाँ पे कीवी एप्लीकेशन में। स्कैन एंड पे का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे 2 मिनट से कम का समय लगेगा यहाँ पे। तो ठीक है, आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड अपने पास रखना है और आपको कुछ डिटेल डालने के बाद ये रिडायरेक्ट करेगा यहाँ पे इस एप्लीकेशन में कीवी के। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप OTP दोस्तों यहाँ पे अपना डालेंगे, आपको आपसे पैन नंबर पूछेगा, पैन कार्ड में जो नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है और एक कंसेंट है यहाँ पे चेक बॉक्स है स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का, उसमें टिक करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। ये करने का मतलब है कि आपका सिविल चेक होगा और आपका चेक होगा। अगर आपके पास के पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो ये क्रेडिट कार्ड आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा बिना किसी हिचक के, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल पिन कोड की, तो आप जहाँ पे भी रह रहे हो वो आपको पिन कोड डाल देना है। तो पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे ऐड माय ऑन पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आप क्या नाम चाहते हो, उस कार्ड में क्या नाम चाहते हो उसका नाम डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना है दोस्तों और आपको कुछ और डिटेल डालना है जैसे मैरिटल स्टेटस, ये सारी डिटेल डाल देना है। और आप जहाँ पे भी रेजिडेंट कर रहे हो, जहाँ पे भी रह रहे हो, वहाँ पे
ये खुद का या पेरेंट का है वो डालना है, फादर नेम, ईमेल आईडी, मदर नेम, करंट एड्रेस, ये सब डाल देना है आपको। फिर आपसे पूछेगा कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है तो वो डाल देना है, वर्क प्लेस की डिटेल डाल देनी है, इसमें एक ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है दोस्तों, और आधार कार्ड लिंक से मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसके बाद वीडियो कॉल विथ बैंक एजेंट, आपको ये करना है, वीडियो कॉल पे बैंक एजेंट से बात करना है, इसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। कंटिन्यू टू यस बैंक पे आप क्लिक करके एजेंट से बात कर सकते हो, आपको चार्जेस दिखेगा और ट्रांजेक्शन पे कैशबैक कितना है वो दिखेगा, सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आप लोग वीडियो KYC ज़रूर कर ले, वीडियो अगर आपकी KYC हो जाती है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट को हार्ट देंगे और हम आने वाले सब्सक्राइबर को भी बताएंगे आपके बारे में, ठीक है। तो मेरे लिंक से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों कीवी कार्ड को, बाकी मैंने प्रोसेस समझा दी है, कुछ प्रोसेस मैंने स्किप कर दी है, जैसे कि अपने फादर का नेम, मदर का नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल मैंने स्किप करी है, बट ये सारी डिटेल मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो उसके बाद दोस्तों सारे ट्रांजेक्शन आपको कीवी UPI क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड वाले एप्लीकेशन पर ही करना है, इसमें स्कैन एंड QR का ऑप्शन आ जाएगा, इसके थ्रू स्कैन कर सकते हो, कैशबैक कमा सकते हो दोस्तों। काफ़ी अच्छी यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे मुझे यहाँ पे लगी है, काफ़ी अच्छी रिवॉर्डिंग एप्लीकेशन है। बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कैशबैक से रिलेटेड या इंटरेस्ट फ्री पीरियड से रिलेटेड या चार्जेस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे अबाउट सेक्शन में आके पढ़ सकते हो इनके बारे में। एप्लीकेशन सेफ एंड सिक्योर है, हमने काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर ने ट्राई करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो कैशबैक कमाने में तो कैशबैक के मामले में ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी मुझे लगी है, और रुपए कार्ड का तो ऑप्शन मिल ही जाता है, मतलब इमरजेंसी कभी आ जाए, पैसों की जरूरत पड़ जाए तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है।